नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों एक फोर्ड है इको स्पोर्ट्स डीजल, तो इसमें ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और कभी स्टार्ट होती है और तुरंत बंद हो जाती है। तो अपन एक्चुअली फॉल्ट देखेंगे और फॉल्ट को अपन ट्रेस करेंगे और फॉल्ट को क्लियर करेंगे। आपको मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ। मेरा भी है फोर्ड इको स्पोर्ट्स। तो इग्निशन स्विच ऑन करते हैं अपन और गाड़ी को मैं मारता हूँ सेल्फ। ये अभी स्टार्ट हो गया, बंद हो गए। वापस एक बार मारता हूँ। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हो रही है। वापस एक बार करता हूँ, नहीं स्टार्ट नहीं हो रही है। और एक बार इसको अपन एक्सटूल PS70 प्रो स्कैनर के ऊपर अपन चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट आ रहा है। इसको एक बार कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे उसका DLC कनेक्टर है, लगाया। इग्निशन स्विच ऑन है। एक बार स्कैन करते हैं, जाएंगे सीधा ऑटो विन करेंगे। ऑटो स्कैन, ओके करते हैं। इको स्पोर्ट्स 1.5 और जाएंगे ऑर्डर्स में जाएंगे। किधर भी कर सकते हैं स्कैन, लेकिन मैं वहाँ पे करूँगा। और सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे और पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल को अपन सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे उसका क्लस्टर मीटर में उसका पावर ट्रेन का लाइट भी शो कर रहे, ये वाला येलो कलर पावर ट्रेन वार्निंग लाइट। तो इसके लिए अपन एक बार रेड फॉल्ट कोड करेंगे। तो यहाँ पे फॉल्ट कोड शो हो रहा है B1206 00AF क्रैश ऑकर। और ये करंट में, तो इसको एक बार मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर फॉल्ट कोड, यस सक्सेसफुली। रेड फॉल्ट कोड, तो ये वापस रिपीट फॉल्ट कोड आ रहा है। ये करंट में, तो फॉल्ट को मैंने ट्रेस किया और आपको मैं फॉल्ट भी दिखाता हूँ, उसका फॉल्ट किधर है। तो इसके पीछे साइड डिक्की में थोड़ा मार लगा है, मार मतलब ज़्यादा ही लगा है और डिक्की खुल भी नहीं रही। तो थोड़ा अंदर से मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये इसका बूट स्पेस है और यहाँ पे राइट साइड में इसका, इसको अपन निकाल दे। तो ऐसे मैंने देखा तो इसका ये फ्यूल कटअप स्विच है और इसको मैं थोड़ा ऐसा हिलाऊंगा तो इसके अंदर का जो बॉल है वो आवाज़ कर रहा है, मतलब वो थोड़ा मार लग जाता है ना थोड़ा, तो यहाँ पे ये ऑफ हो जाता है। तो इसको अभी हिल रहे, अभी इसको मैं एक बार दबाऊंगा। दबाया मैंने, ये अभी हिल नहीं रहे, इसका बॉल अभी हिल नहीं रहे। तो कभी इसके ऊपर ये बहुत सेंसिटिव रहता है, मतलब जहाँ पे ऐसा थोड़ा इंपैक्ट ऐसा मार लगता है तो ये बॉल खुल जाता है और फ्यूल कटअप हो जाता है। तो एक बार गाड़ी में देखते हैं, चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है क्या। तो आते हैं गाड़ी में और इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ और ऑन करेंगे जैसा भी, तो ये पावर ट्रेन वार्निंग साइन है वो आके चला जाना चाहिए, ये कंटिन्यूस ऑन नहीं रहना चाहिए। वापस एक बार ऑफ़ करता हूँ मैं, ऑफ़ किया मैंने, ऑन किया, पावर ट्रेन का लाइट आया, चला गया।
और गाड़ी को अभी स्टार्ट मारते हैं तो अपनी गाड़ी स्टार्ट होगी। और अंदर कोई भी चेक लाइट और कोई शो नहीं हो रहा है, मतलब ये अपना प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अभी स्कैनर पे चेक रेड ट्रबल कोड करते हैं तो यहाँ पे नो ट्रबल कोड, तो ये अपना प्रॉब्लम क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।